वल्हार ट्रेन हादसे के बाद मुल्तान रेलवे से भी रिलीफ ट्रेन वल्हार के लिए रवाना कर दी गई। रिलीफ ट्रेन में खाने का सामान, मजदूर और इंक्वायरी कमेटी के मेंबरान भी वल्हार स्टेशन के लिए रवाना हो रहे हैं। इसी पर बात करेंगे मोहसिनुल मुल्क से। मोहसिन, अपडेट कीजिएगा। मुल्तान से एक रिलीफ ट्रेन इस वक्त जो हादसे की जगह पर पहुंचाई जा रही है। ये रिलीफ ट्रेन यहाँ से निकल गई है, जो न सिर्फ बोगियों को लेके आएगी बल्कि उसके पुर्जाजात भी इस पर पहुंचाए जा रहे हैं। यहाँ से मुख्तलिफ टीमें भी इस रिलीफ ट्रेन जो कि इस वक्त मुल्तान रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है, वो भी इस वक्त वल्हार रेलवे स्टेशन पर भेजी जा रही है, जिसमें ना सिर्फ खाने का सामान भी है क्योंकि वहाँ पर वर्कर्स भी काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है, जो शेख रशीद अहमद ने एक इंक्वायरी कमेटी का कहा था, उस इंक्वायरी कमेटी के हवाले से ये ट्रेन जो है इस वक्त वहाँ पर उस टीम को भी लेके जा रही है जो इंक्वायरी करेगी। ना सिर्फ सक्खर के कुछ अफसरान उसमें शामिल है बल्कि मुल्तान से भी भेजे गए हैं, और वहाँ पर जाकर तमाम तर चीज़ों का जायजा लिया जाएगा। और इस दौरान में ये भी देखने की कोशिश की जाएगी कि हादसे की नौयत क्या थी और किस वजह से हादसा रोनुमा हुआ। ये रिलीफ ट्रेन ना सिर्फ खुराक लेके जा रही है वहाँ पर, बल्कि उसके साथ साथ जो यहाँ से वर्कर्स हैं, यहाँ से मुलाजमीन हैं, उनको भी वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है, और ये रिलीफ ट्रेन वहाँ पर रिलीफ के कामों में भी हिस्सा लेगी। जी।